हेलो एवरीवन, मायसेल्फ निशा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नंबर सिस्टम का सब पार्ट है। यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है या फिर मल्टीप्लाई वाले भी बोल सकते हैं, बेसिकली जो पावर वाले क्वेश्चन है उनको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से उनको हम लोग कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखो, इसने बोला है इफ x इक्वल्स टू दिस व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, है ना। हिंदी में बोलते हैं यूनिट डिजिट को इकाई का अंक। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट होती क्या है, है ना, उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो रेंडमली हमने कोई भी डिजिट उतार ली, जैसे कि 9241684 13, तो जो हमारे पास में लास्ट का होता है जिसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं, जिसको हम इकाई का अंक भी बोलते हैं, जिसको हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं लास्ट में, है ना, लास्ट में क्या दे रखा है वो वाली। तो ये होता है हमारे पास में इकाई का अंक या फिर बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। अब हमारे पास में क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे आएगा, देखो जैसे एग्जामिनर हमें दे देगा 9241 9242, है ना, इसमें हमें ऐड करना है 419248, इसको हमें ऐड करना है। तो हमें ये आंसर नहीं देना कि इसमें इसको ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, हमें बेसिकली निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो करते क्या है हम लोग, दोनों की यूनिट डिजिट पर ही काम करेंगे। जैसे कि इसमें यूनिट डिजिट में कितना है 1, इसमें यूनिट डिजिट में कितना है 8, यानी कि हमें 1 प्लस 8 को ऐड करना है, आंसर कितना आएगा 9। बस इतना ही काम हमें करना है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को उठाना है अगर क्वेश्चन हमारा यूनिट डिजिट का है, है ना। सेम इसी तरह से हमें और भी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे 9241 23 9981 24, इस टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा है, दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करना क्या है हमें यूनिट डिजिट पर काम करना है ना। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3, ठीक है, बीच में सिंबल क्या है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई, यहां पर देखो सिंबल किसका था प्लस का, तो हमने यहां पर क्या लिखा था प्लस लिखा था, और यहां कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, 4 3 12, यानी कि हमारे पास में आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ध्यान रखना आंसर 12 टिक मत करना, आंसर क्या निकालना है हमें यूनिट डिजिट वाला, है ना, यूनिट डिजिट पर कितना है हमारे पास में 2। ये हमारा छोटा सा बेसिक बोल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हैं इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, एडवांस जो वर्जन है वो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर कि हमें अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बार देखो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या दे रखा है हमें, ओके, क्वेश्चन हमें दे रखा है पावर में, है ना, यानी कि हम लोग एक बार बात करते हैं कि पावर के फॉर्म में हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। एक बार पावर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, देखो ये वाले पावर रहने देते हैं, हम लोग कोई भी एक छोटी सी पावर उठा के देख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि 3 की पावर 98, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या होगी, हमारे पास में ये क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। इसको सॉल्व करके आंसर नहीं बताना कि सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, हमें सिर्फ क्या चाहिए यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो जब भी हमारे पास पावर का क्वेश्चन हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो जो भी डिजिट है पहले तो वो उतारेंगे, उसके बाद जो भी उसकी पावर है हमें उसको हमेशा डिवाइड करना है किससे, 4 से। कोई भी पावर हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, जरूरी नहीं 3 हो, यहाँ पर 9 हो, 8 हो, 12 हो, 15 हो, कोई भी डिजिट हो, और ऐसे ही कोई भी पावर हो, हर एक केस में हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या चेक करना है, रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है। ध्यान रखना हमें क्वेश्चन यानी कि हमें भागफल चेक नहीं करना है, हमें हमेशा शेषफल
चेक करना है, रिमाइंडर चेक करना है। जब मैं इसको चार से भाग करूंगी तो देखो कितने पे जाएगा, फोर टू जा एट, यहाँ पर कितना बचेगा वन, फोर फोर जा सिक्सटीन, रिमाइंडर कितना बचा है, टू बचा है। बेसिकली हमारे पास में इंपोर्टेंट काम किसका है, रिमाइंडर का है ना। देखो कितना था हमारे पास में थ्री, अब हमारे पास कितना आया है रिमाइंडर टू। जितना रिमाइंडर है हम अब उसको पावर मानेंगे, जो पहले वाली पावर थी ना यानी कि 98, उसको हम छोड़ देंगे। 98 से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास में सिर्फ एक ही पावर है, वो कितनी है, टू है। थ्री की पावर टू कितना होता है, थ्री थ्री जा नाइन, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो कितना होगा, नाइन होगा। ठीक है, ये है हमारे पास में पावर का बेसिक, की पावर वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस वर्जन दे रखा है हमारा जो क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन को उठाते हैं, देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, इसने दिया है, एक बार नोट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 164 की पावर कितनी दे रखी है, 169, और प्लस में क्या है, ट्रिपल थ्री, प्लस में क्या है, ट्रिपल थ्री, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 337, और माइनस में है 727, और इसकी पावर कितनी है, 726, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग इसको उठाते हैं, 4 की पावर दे रखी है 169। यहां पर हमारे पास में दो मेथड है, दो मेथड का मतलब, एक तो हमारे पास में वही बेसिक जो हमने जस्ट अभी समझा है कि पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसके अलावा एक हमारे पास में एक दो डिजिट्स की शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं साइड में, अगर 4 की पावर हमारे पास में इवन है, और यहां पर लिख लेते हैं 4 की पावर हमारे पास में ओड है, अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 4। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पर आंसर हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 4 की पावर ले लेते हैं 3, है ना, 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4 कितना आएगा, देखो 4 × 16, 16 × 64, 64 में यूनिट डिजिट कितनी है, इकाई का अंक कितना है हमारे पास में, 4 है ना। यही तो हमने प्रूफ किया है कि जब 4 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। देखो 4 की पावर ओड ली तो यूनिट डिजिट पर कितना आया, 4 आया, इसका मतलब हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ठीक है। ये वाली जो हमने चीजें लिखी है ना, 4 की पावर ओड और इवन वाली, ये हमने बिल्कुल ठीक लिखी है। दो चीजें हमारे पास में यहां से कंफर्म होती है, ठीक है। देखो अब 4 की पावर कितनी है, 169 क्या है हमारे पास में, ओड है ना। पावर जब ओड हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 4, तो हम लोग सीधा क्या उतार सकते हैं, 4। फिर क्या है, सिंबल प्लस का है। इसके बाद क्या है, 3 की पावर कितनी है, 337 है ना, 3। अच्छा, जब भी हम ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना तो क्या करना होता है, हमें बस लास्ट का चेक करना है। देखो अब आगे की दो डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करनी है, तभी हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 का केस सोल्व किया है। ठीक है, इसी तरह से देखो यहाँ पर बाकी, अब ये तो 3 डिजिट का क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 डिजिट भी हो सकते हैं। जैसे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, मान लो इसकी पावर हम लोग निकाल दें 91, तो हमें इतने बड़े की पावर 91 नहीं निकालनी, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पर जो है उसकी पावर 91 चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इतने बड़े डिजिट है, इसको अवॉइड करना है हमें, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट उतारनी है, यानी कि 3 की पावर कितनी है, 337 है ना, 337। लेकिन हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, क्या होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की जो दो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट की जो दो हमारे पास में संख्याएं हैं वो 4 से पूरी की पूरी भाग जानी चाहिए, है ना। यानी कि लास्ट का क्या है, 37, इसको हम लोग किससे डिवाइड कराएंगे, 4 से। माइनस का कितना दे रखा है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ लास्ट की हमें डिजिट उतारनी है, लास्ट का मतलब होता है यूनिट डिजिट, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक उतारना है, कितना है, 7 है। इसकी पावर कितनी है, 726, लेकिन 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की हमें दो डिजिट चेक करनी है। ठीक है, यहां पर तो देखो हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो प्लस का। अब देखो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 37/4, तो 36 तो चला जाएगा, है ना, 4 से जाएगा 9 पे 36, लेकिन हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचता है, 1, यानी कि 3 की पावर कितनी बचेगी, 1। माइनस का 7, ठीक है। जब हम 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जाएगा 6 पे 24, बचेगा कितना हमारे पास में, रिमाइंडर 2। ध्यान रखना हमें हमेशा, हमें हमेशा रिमाइंडर
रिमाइंडर देखना है। कभी भी क्वेश्चन यानी कि जो भागफल होता है उसको चेक मत कर लेना, आंसर जो है गलत आएगा। हर केस में, हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज लेनी है पावर के केस में, क्या? रिमाइंडर। ठीक है, यहां से देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4 की पावर कितनी है? 4 ही रहेगा। प्लस का 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। 7 की पावर 2 यानी कि 7 × 7 कितना होता है? 49। 49 में यूनिट डिजिट कितनी होगी? 9, है ना। 49 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है? 9 है ना। 4 को साइड में कर देंगे, 4 × 7 ये आएगा हमारे पास में 7 माइनस का 9 यानी कि आंसर कितना आया है? माइनस का 2, है ना। आंसर कितना आ गया हमारे पास में? माइनस का 2। लेकिन कभी भी हमारे पास में माइनस का आंसर नहीं होता है। देखो कोई भी डिजिट देखी होगी, जैसे यही डिजिट है, क्या यहाँ लास्ट में माइनस का देखा है? क्या हमने कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे देखा है जैसे कि 4 1 4 2 9 -1, क्या इस टाइप की कोई एक डिजिट देखी है? हमने कभी भी नहीं देखते हैं, है ना। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं आ सकता है, आंसर को हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? जो भी आंसर आया है उसमें प्लस 10 करेंगे। इसको अलग कलर में कर लेते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट रहे, है ना। जो भी आंसर आया है उसमें हमें क्या करना है? प्लस 10 करना है ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए। यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास में? 8। राइट आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में? 8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा हो सकता है हार्ड लगा हो क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे आगे जैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे सारी चीजें हमें बहुत इजी लगने लगेंगी, यहां तक कि इतना सब भी हमें नहीं लिखना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बार समझाना था आप लोगों को, इस वजह से हम लोग इतना नोट कर रहे हैं। अदरवाइज ये सारे की सारी चीजें हमें माइंड में ही कैलकुलेट करनी है, जैसे 169 है, 4 से कितने पे जाएगा, ये 4 से कितने पे जाएगा, इस टाइप की जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है ये सारी हमें माइंड में कैलकुलेट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, फिर से पावर का क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अब की बार डबल पावर है, है ना। अब की बार क्या है? डबल पावर। इसने बोला है 137 की पावर है 13 और उसकी पावर दे रखी है 47। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में हमारे पास पावर हो, मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन, जैसे हमें दे रखा हो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो हम लोग लिख देते हैं 2 की पावर 4 3 12 करके सीधा। तो सेम चीज हम लोग यहां पर करेंगे, है ना, सेम चीज हम लोग इधर करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो क्या क्या दे रखा है, 137 है, तो इसको हम लोग सिर्फ लास्ट की एक डिजिट उतार ले, 137 है, लेकिन हमने पढ़ा है लास्ट का कितना देखना होता है, सिर्फ एक डिजिट, तो लास्ट में कितना आएगा? 7, ठीक है। इसकी पावर है 13 और इनटू में कितनी आएगी? 47, है ना। और हमें रूल पता है पावर वाले केस में क्या करते हैं, हमेशा किससे डिवाइड करना है? 4 से, है ना, हमेशा 4 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर हमें देखना है कि कितना बचता है। यहां से देखो जब हम लोग 13 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 3 12 रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो हमने भी मल्टीप्लाई लगा दी। उसके बाद दे रखा है 47, 47 को जब हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 44, है ना, 11 पे जाएगा 44, बचता कितना है? रिमाइंडर 3। इसका मतलब 7 की पावर 3 × 3 कितना आएगा? 343। इसमें इकाई का अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितनी है हमारे पास में? 3। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आएगा? 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेम इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें, ओके, पावर का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार थोड़ी सी पावर हमें अलग दे रखी है। इसमें देखो ब्रैकेट था यहाँ पे, यहाँ दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला, है ना। इस वाले क्वेश्चन को हम इजिएस्ट वे में कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक बार देखेंगे। देखो इसका मतलब हुआ 32 की पावर 32, है ना। इसका मतलब बेसिकली क्या है हमारे पास में, जैसे 32 है और उसकी पावर है 32 और ये पावर 32 टाइम्स ही है, जैसे कि 32 × 32 × 32, ये हम 32 बार लिखते चलेंगे। जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 5 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर कितनी है? 5, और ये 5 टोटल कितनी बार है हमारे पास में? 3 बार है, है ना। ये वाली बात समझ आई?
कि 2 की कितनी पावर है, 5 पावर है, लेकिन वो पावर कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है। सेम चीज यहां पर है, देखो 32 की पावर 32 है, ठीक है, 32 की पावर 32 हमने लगा दी, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो पावर है वो 32 टाइम्स रिपीट होगी, है ना। ये जो पावर है इसको हम 32 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सेम मेथड है जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम इसी तरह से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 32 है हमारे पास में, हम किससे डिवाइड कराते हैं, 4 से, है ना, किससे डिवाइड कराएंगे, 4 से। सबसे पहले तो जो यूनिट डिजिट है वो उतारेंगे, कितनी आएगी 2। पावर कितनी है 32, 32 को जब हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास में कितने पे, 4 एट जा, है ना। 32 कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि इस वाले केस के अंदर हमारे पास में रिमाइंडर कितना है, 0। यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना कि जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग पावर को कितना मानते हैं, 4 मानते हैं। इस केस की बात नहीं, किसी भी केस के अंदर, जैसे हमने लिख लिया कुछ भी उठा लेते हैं, 3 की पावर लिख दी जैसे कि 44, है ना, तो पावर को जब हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 11 पर पूरा चला जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब आंसर कितना है, 3 की पावर 4 है। सेम इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पावर कितनी है, 4 से पूरा भाग जाएगा तो मतलब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब पावर हम लोग कितने डाल देंगे, 4, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब हमें 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, है ना। कितना आएगा, 2 2 4 2 2 4 और 4 4 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, है ना। इकाई का अंक कितना है हमारे पास में, 6 है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। देखो फिर से हमें पावर का क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि किसके फॉर्म में दे रखा है हमें, प्लस की फॉर्म में, है ना। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो भी इकाई का अंक है उसको उठा लो, कितना है, 3। इसकी पावर कितनी है, 16 32, लेकिन हमें पूरी पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें पूरी पावर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पावर किसका, किससे डिवाइड कराते हैं हम लोग पावर को, 4 से। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएगी, 32। प्लस में 4 की पावर कितनी है, 32, और प्लस में 5 की पावर कितनी है, 32, है ना। यहां से देखो 4 की पावर उतार ली हमने, 32, एंड यहां से 5 की पावर भी कितनी आएगी हमारे पास में, 32। अब देखो 3 की पावर 32 का मतलब क्या होगा, पावर है 32, 32 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा का पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर 0 है तो मतलब हम लोग पावर कितनी डाल देंगे, 4, ठीक है। इसके बाद देखो 4 की पावर क्या है, इवन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, यहां पर क्या है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, अगर पावर इवन है तो हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। सेम हम लोग यहां पर बात करेंगे, देखो पावर इवन है तो यहां पर कितना आएगा, 6, ठीक है। 5 की कोई भी पावर हमारे पास हो, है ना, 5 की कितनी भी पावर हमारे पास हो, हमेशा आंसर कितना आता है, 5 ही आएगा। यहां पर नोट कर लेते हैं हम लोग, 5 की कोई भी पावर हो आंसर हमेशा 5 आएगा, 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी, 1 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी, 0 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आएगी हमारे पास में, 0, ठीक है। ये 4 हमारे पास में नंबर होते हैं जिनकी कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा कितना आता है हमारे पास में, आंसर हमेशा कितना आता है हमारे पास में, जो डिजिट है वही 5। क्या क्या है हमारे पास में, 5 है, और इसके अलावा क्या क्या है, 5 6 1 और 0, है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग दिया क्या है क्वेश्चन में, एक सेकेंड, ये चारों कितनी है हमारे पास में, 5 6 1 एंड 0, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं 0 1 5 एंड 6, जितनी भी पावर हो, चाहे इनकी पावर हम लोग 1000 लिख दे, चाहे पावर 100000 लिख दे, हमेशा यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, जो आंसर, जो डिजिट दे रखी है वही हमारे पास में आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो 3 की पावर 4 कितना आएगा हमारे पास में, 3 को हमें 4 टाइम्स लिखना है, 3 3 9 3 3 9, और 9 9 81 81 का यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारे पास में, 1, प्लस में 6 एज इट इज, प्लस में 5 एज इट इज, 6 5 11 और 1 12, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा यहां से हमारे पास में, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 3 की पावर 4 को 1 कैसे लिख दिया, एक बार बता देती हूं, देखो 3 की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3, है ना, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, तो इसी वजह से हमने इसको कैसे लिख दिया है, इसकी जगह पर क्या लिखा है, 1, ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में यहां से, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से पावर का एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, इजी सा क्वेश्चन है, सेम है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी तरह से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे कर सकते हैं, 7 की पावर कितनी है, 125, या फिर इसको यहीं से उतार लेते हैं, देखो पावर कितनी दे रखी है, 125, है ना, लास्ट की हमें क्या चेक करनी है, सिर्फ दो डिजिट कितनी है, 25, इसको नोट कर लेते हैं, प्लस में 7 की पावर यहां से कितनी आएगी, 24, और प्लस में कितनी है, 7 की पावर 23, है ना, और इधर देखो कितना आएगा हमारे पास में, 4 की पावर कितनी है, 20 है, प्लस में 4 की पावर कितनी है, 19 है, और यहां से 4 की पावर कितनी है, 18 है। देखो 7 की पावर है 25 को जब हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 6 24, शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास में, 1। इसके अलावा यहाँ पे आओ, 7 की पावर कितनी है, 24 जो है 4 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हम पावर कितनी डाल देंगे, 4। यहाँ पर देखो 7 की पावर कितनी बचेगी, 3, है ना, 23 है, 4 की टेबल में 5 पे, 4 5 से 20 तो कैंसिल, बचेगा कितना रिमाइंडर, 3 बचेगा। यहां से देखो 4 की पावर 20 है, इसका मतलब 4 की पावर क्या है, इवन है, है ना, 4 की पावर मैं यहां पर लिख देती हूं, इवन है। यहां पर क्या है, 4 की पावर ओड है, और यहां पर क्या है, फिर से 4 की पावर इवन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 7 एज इट इज ठीक है, 7 की पावर 4, यानी कि 7 × 7, 7 × 7 = 49, सेम उधर से 7 × 7 = 49, 9 9 उठाएंगे कितना आएगा, 81 का 1, प्लस में 7 की पावर 3 होता है, 343, यानी कि लास्ट में कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 की पावर इवन होती है तो 6, और ओड होता है तो 4 एज इट इज, फिर से पावर इवन है तो कितना आएगा, 6, 7 और 3 10 और 11 आएगा यहाँ से, और इंटू में कितना है हमारे पास में, 6 6 12, और 4 कितना आएगा, 16, है ना, 6 की जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितनी आएगी हमारे पास में, 6। जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक पर हमें कितना देखने को मिलेगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, देखो 9 की पावर कितनी है, 64, है ना, इसको हम लोग दोनों मेथड से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से यानी कि स्टार्टिंग से सीखते आए हैं, क्या करना है हमें, पावर को 4 से डिवाइड कराना है, है ना, पावर है कितनी, 64 को 4 से डिवाइड कराएंगे, देखो 4 1 4 2 बचेगा, 6 पे चला जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना लिखना है हमें, 4, है ना। जब भी कंप्लीटली डिविजिबल का केस हमें मिले तो आंसर कितना लिखना है, पावर कितनी चढ़ानी है, 4 चढ़ानी है। यहां देखो 9 की पावर 4 का मतलब 9 × 9 × 9 × 9 हमें 4 टाइम्स नोट करना है, है ना, 9 9 = 81, 9 9 = 81, 1 और 1 की यहां से करेंगे ना, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये तो था हमारे पास में फर्स्ट मेथड कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा, इसी की शॉर्ट ट्रिक अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या है, अगर हमारे पास में 9 की ओड पावर है तो आंसर आएगा हमेशा 9, अगर हमारे पास में 9 की इवन पावर है तो आंसर हमेशा आएगा 1। ये हमारे पास में इसकी शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर इसका कम टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड बोल सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग पेन तक नहीं उठाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 9 की जब भी पावर इवन है, 64 इवन है ना, हमें पता है जब भी 9 की पावर इवन दे रखी हो तो हमारे पास आंसर हर हालत में कितना आएगा, 1 आएगा, तो हम बिना पेन उठाए डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला था हमारे पास में ऑप्शन नंबर मेथड नंबर सेकंड, एंड दिस वन इज मेथड नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, 43 की पावर 43 है, और उसके बाद दे रखा है -28 की पावर 28। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसे अभी तक बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो 43 है, हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक पे जो दे रखा है यूनिट डिजिट पर, उसको हमने नोट कर लिया, ठीक है। इसमें देखो यूनिट डिजिट पर कितना दे रखा है, 8, इसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास में, 28, हमने नोट कर लिया, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
तीन की पावर है 43, 43। इसको हम चार से भाग करेंगे, 4 × 10 = 40। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। माइनस में 8 की पावर 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। हमने अभी पढ़ा है कि जिस भी केस के अंदर रिमाइंडर 0 आएगा वहां पर पावर कितनी डालेंगे हम लोग? 4 डालेंगे, है ना। अब देखो 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27 एक बार लिख लेते, चलो 27 या फिर सीधा ही कर लेते हैं। देखो 27 आता है, 27 का हम इकाई का अंक कितना आएगा? 7। यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 7। 8 की पावर 4, देखो इसका मतलब 8 को कितनी बार लिखना है हमने? 4 बार लिखना है, ठीक है। तो क्या 4 बार हम लोग मल्टीप्लाई करने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। यहाँ देखो 8 × 8 = 64, ठीक है, इंटू में 8 × 8 = 64, ठीक है। 4 × 16, 16 में इकाई का अंक कितना होता है? 6। इसको लिख देते हैं ऐसे, 16 आएगा, 16 का इकाई का अंक कितना है? 6 है। यहां से हमारे पास में आंसर कितना आएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन था, आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें क्या करना है? देखो सीरीज का क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसने दिया है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, इस टाइप से हमें 100 के स्क्वायर तक बात करनी है, है ना। ये हमारे पास में बेसिकली एक टर्म होती है, एक हमारे पास में छोटा सा फॉर्मूला है, क्या? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यहाँ आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? एन इंटू एन प्लस वन, 2n + 1/6, है ना। बस इसी फॉर्मूले के ऊपर हम ये छोटा सा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या दे रखा है? देखो n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, लास्ट क्या है इसका? 100। तो टोटल कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 100 है, ठीक है। n प्लस वन, 100 प्लस वन कितना आएगा? 101। 2n प्लस वन, 2n कितना हो जाएगा? 200 प्लस वन कितना आएगा? 201। बाय में कितना है? 6 है। इसको कैंसिल करेंगे, देखो 2 से जाएगा 3 पे, 2 से जाएगा 50 पे, इसके अलावा 3 से जाएगा कितने पे? 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, बचेगा कितना? 50 × 101 × 67। हमें पता है लास्ट में 0 है, 0 की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि इनका जो भी आंसर आएगा, आंसर के लास्ट में कितना देखने को मिलेगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया 0 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या बचता है, 50 × 101 × 67। जब भी हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, तीनों की मल्टीप्लाई का मतलब देखो 7 × 1 × 0, इन तीनों को जब हम कराएंगे तो आंसर कितना आएगा? 0, ना। तो चाहे कितनी भी डिजिट हो, जब भी हमें 0 दे रखा है तो हमें पता है आंसर कितना आता है? 0। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी सा क्वेश्चन दे रखा है हमें पावर की फॉर्म में, है ना। क्वेश्चन क्या गिवन है? 43 की पावर कितनी दे रखी है? 46। देखो सबसे पहला बेसिक काम क्या है हमारा? इकाई का अंक उठाएंगे, यूनिट डिजिट कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 46, है ना। 46 को हम लोग 4 से भाग करेंगे, 4 × 11 पे जाएगा 44, बचेगा कितना हमारे पास में? 2, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 4। 4 से भाग कराएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में? रिमाइंडर हमेशा देखना है, है ना। रिमाइंडर कितना बचता है? 2। तो जितना भी रिमाइंडर है उसको हम लोग ऐसा पावर चढ़ा देंगे, 3 की पावर 2, यानी कि 3 × 3, आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर फ्रॉम राइट इन दिस फॉर्म, है ना। क्वेश्चन ने बोला है नॉन जीरो इंटीजर हमें निकालना है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे वो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट डिजिट पर, यानी कि इकाई के अंक की, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें नॉन जीरो नंबर निकालना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमें पता है, देखो लास्ट में 0 है, यहां पर भी 0 है, आंसर ऑब्वियसली यूनिट डिजिट जो है वो कितना आएगा हमारे पास में? 0 आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, इसमें हमें यूनिट डिजिट नहीं निकालनी है, इसमें हमें निकालना है फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर बोल सकते हैं या फिर सेकंड लास्ट, है ना। जैसे हमारे पास में कोई भी डिजिट है 9 1 2 8 7 4 1 2 8, तो सेकंड लास्ट यानी कि हमें इस अब की बार क्या निकालना है, ये वाली डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है, है ना। तो सिंपल सा है, जैसे अभी तक क्वेश्चन को सेम सॉल्व किया है सेम अभी करेंगे। यहां देखो कितना है? 3, ठीक है, उतार लो।
पावर कितनी है हमारे पास में 57, लास्ट की दो डिजिट लेनी है पावर की, ध्यान रखना। माइनस है तो हमने भी माइनस उतार लिया, सेकंड लास्ट डिजिट निकालनी है ना हमें, तो डिजिट भी क्या उठा के चलेंगे, सेकंड लास्ट है ना। यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो हम लोग यूनिट डिजिट को उठा के चलते हैं, और हमें लास्ट सेकंड डिजिट निकालनी है तो हम भी लास्ट सेकंड डिजिट जो कि कितनी दे रखी है 8, इस पर काम करेंगे है ना। इसकी पावर कितनी है 92 है ना। अब देखो 3 की पावर 57, इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे तो देखो कितने पे जाएगा, 4 1 4 1 16 1, रिमाइंडर कितना बचता है 1, माइनस में 8 की पावर है 92, 4 से भाग करेंगे पूरा का पूरा भाग जाएगा, मतलब पावर कितनी चढ़ा देंगे हम लोग 4। जब भी हमारे पास में रिमाइंडर 0 आए तो पावर कितनी डालेंगे 4 डालेंगे, ठीक है। 3 की पावर 1 3, माइनस में 8 की पावर 4 का मतलब 8 × 8 × 8 × 8 है ना, 8 2 8 64 8 2 8 64 4 4 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आती है हमारे पास में 6। यहां से आंसर कितना आएगा, माइनस का 3, लेकिन हमें पता है कि आंसर माइनस में नहीं आ सकता है ना, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो आंसर कैसे माइनस में आ सकता है। आप यहां पर देखो इस वाले केस के अंदर जैसे हम लोग बात करें तो क्या ये माइनस का 2 हो सकता है, कोई भी नंबर चल रहा है हमारे पास में, जैसे अपना फोन नंबर ही उठा लो, ठीक है, मेरे फोन नंबर की जो लास्ट सेकंड डिजिट है क्या वो माइनस में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से हमारा जो आंसर है वो माइनस में किसी भी हालत में नहीं आ सकता है, हमें क्या करना है आंसर को पॉजिटिव बनाना है, प्लस में वैल्यू निकालनी है। प्लस में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 10 को ऐड करेंगे है ना, प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे इसमें हम लोग 10 ऐड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 7, यानी कि ऑप्शन नंबर। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में, आज हमने कंप्लीट किया है हमारे यूनिट डिजिट के कुछ पावर वाले क्वेश्चंस, जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इन वाले क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये पावर इतनी भयंकर दिखती है ना, पावर इतनी डेंजरस दिखती है, ये सब देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आज की क्लास में हमारा जो बेसिक टारगेट था वो यही था कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इजिएस्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की क्लास के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।